झांसी के कोतवाली में फिर से पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार में। आज हमारे साथ साहू जी है, इनके साथ आज क्या घटना हुई है हम पूछना चाहेंगे हमारे साहू जी से। सर आपके साथ क्या सर्वप्रथम मैं एस आर वी बुंदेलखंड को धन्यवाद देता हूँ और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, घटना तो बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत बड़ी थी। तो बात यह है कि जब मैं अपने घर सुबह लगभग 11 बजे हमारे घर के बाहर हो हल्ला हो रहा था तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। चलो भाई तो घर के सामने देख रहे हैं कुछ लोग गैंग बनाकर 10-15 लोग एक व्यक्ति को मारपीट कर रहे हैं और हमारा धमकी काम कर रहे हैं। उनका पर्सनल मैटर था कोई बात नहीं, तो हमने भी थोड़ा सा वहाँ जाकर वीडियो बनाई, हमारा काम है। तो वहाँ वीडियो बनाने के उपरांत क्या हुआ कि वो हमसे उलझ गए, हमसे उलझते हुए वो हमें दुकान के अंदर ले गए, हमारे साथ मारपीट करने की स्थिति बन गई। तो एक ने यहाँ पर झपट्टा मारा तो हमें सोने की चैन पहने तो गोमाई छीन ली और एक ने पर्स निकाल दिया और उसके साथ हमारे साथ मारपीट करने की स्थिति भी बन गई और हमारे साथ मारपीट की उन्होंने। तो फिर हमने तत्काल यहाँ पुलिस की मदद मांगी, कप्तान साहब को फोन लगाया, जो साहब को फोन लगाया, फिर हमने अपने मीडिया क्लब के अंदर जिनके रमा जी पीछे खड़े हुए हैं उनको फोन लगाया। तत्काल लोगों ने कहा कि अपने में से शायद एक व्यक्ति के पिताजी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और वो 8-10-15 लोग हैं जो गैंग बनाकर इस तरह से वायलेंस फैला रहे थे। करीब करीब 15-20 मिनट वहाँ तमाशा चलता रहा। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी न्याय उचित जो कार्रवाई सुना है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या भूख हड़ताल करेंगे? ऐसा है कि ऐसा तो होता नहीं, न्याय नहीं मिलेगा। पत्रकार को तो न्याय मिल जाता है, अब नहीं मिलता है तो सब करेंगे जो करना चाहिए। हमारे साथी लोग भी करेंगे, क्या आप हमारे साथी को आप नहीं करोगे? मेरे साथ आप करोगे कि नहीं करोगे बताओ? पत्रकारों के संग आए दिन यह कांड हो रहे हैं, अभी हाल ही में हुआ था रवि परिहार के संग, साक्षी राय के संग, आए दिन पत्रकारों के संग हो रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे सर जो आज साहू जी की घटना हुई है, क्या पत्रकारों के साथ ऐसी घटना आगे भी होती रहेंगी? देखिए बात साफ किया है, झांसी और पत्रकारों का उत्पीड़न बढ़वाए ये बात सत्य है, लेकिन साहू जी के साथ जो घटना घटी है, साहू जी के साथ घटना जो घटी है वो निंदनीय है, लेकिन जानबूझ के नहीं घटी थी क्योंकि साहू जी वहाँ समाचार कवरेज करने गए थे और जो मारने जो आपस में लड़ रहे थे उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये पत्रकार है। लेकिन घटना हुई है, पुलिस ने हमारी बात सुनी है, तत्काल कोतवाल साहब ने FIR के आदेश कर दिए, FIR दर्ज हो रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। और आगे जो आप बता रहे हैं मिलन परिहार वाला जो मामला है और साक्षी राय है, झांसी में कई पत्रकारों के साथ जिस मामला पूरी तरीके से जो पुलिस कार्रवाई कर रही है एक तरफा सत्ता शासन में बैठे लोगों के सारे पे, ये गलत है और इसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।